बेटा हम जो टॉपिक ले रहे थे वो ले रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में और क्या क्या टॉपिक लेने हैं वो मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ। जो है फोटोपीरियडिज्म का लास्ट टॉपिक था, हमने लिया था। अब वर्नलाइजेशन का टॉपिक लेते हैं। वर्नलाइजेशन इट इज आल्सो कॉल्ड जेरोबाइजेशन। वर्नलाइजेशन और जेरोबाइजेशन एक ही बात है। जो ये वर्ड किसने दिया था, जिस वर्नलाइजेशन वर्ड वाज गिवन बाई लाइसेंको। फोटोपीरियडिज्म वर्ड दिया था अलार्म गार्नियर ने। फोटोपीरियडिज्म वर्ड दिया था अलार्ड और गार्नियर ने। वर्नलाइजेशन या जेरोबाइजेशन वर्ड दिया था लाइसेंको ने। वर्नलाइजेशन या जेरोबाइजेशन वर्ड दिया था लाइसेंको ने। किसी प्लांट को लो टेम्परेचर दे ताकि फ्यूचर में वो फूल बनाने लायक बन जाए, इस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन से फूल आते नहीं है, ये प्लांट को बना देता है इस लायक की बाद में फूल आ जाएंगे। जो वर्नलाइजेशन क्या है, लो टेम्परेचर एक्सपोजर टू द प्लांट सो दैट प्लांट कैन प्रोड्यूस फ्लावर इन द फ्यूचर। प्लांट को लो टेम्परेचर देना, प्लांट को लो टेम्परेचर से एक्सपोज करना ताकि वो फूल बना दे बाद में, इसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। इसको वर्नलाइजेशन देते हैं, पेड़ को लो टेम्परेचर देना ताकि बाद में फूल बना दे, इसको वर्नलाइजेशन बोलते हैं। जो वर्नलाइजेशन में लो टेम्परेचर किसको दिया जाता है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर। प्लांट के कौन से पार्ट है जो लो टेम्परेचर से सेंसिटिव है, रूट मेरिस्टेम, शूट मेरिस्टेम, एम्ब्रियोटिक, प्लांट के पार्ट जो वर्नलाइजेशन के लिए, प्लांट के कौन से पार्ट है जो लो टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं, रूट मेरिस्टेम, शूट मेरिस्टेम और एम्ब्रियोटिक टिप, ये सारी चीजें लो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है और बाद में फूल बनाने में हेल्प करती है। वर्नलाइजेशन में मैस्टमेटिक टिश्यू में क्या बन जाता है जो बाद में फूल बनने में हेल्प करता है, जो इन मेरिस्टेम वर्नरी यूनिफॉर्म मैस्टेम में वर्नरी नहीं बढ़ेगा ड्यू टू लो टेम्परेचर।
मायोस्टोमेटिक टिश्यू में वर्नालिन बनेगा जो लो टेम्परेचर से सेंसिटिव होगा। मायोस्टोमेटिक टिश्यू में वर्नालिन बनेगा लो टेम्परेचर की वजह से, बाद में वर्नालिन फूल लाएगा। जो कितना टेम्परेचर चाहिए वर्नालाइजेशन के लिए, कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? अरे भाई, फूल बनने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है कुछ प्लांट में, इसको वर्नालाइजेशन बोलते हैं जो, और लो टेम्परेचर से वर्नालिन बनता है। वर्नालिन बनता है प्लांट के किस हिस्से में? वर्नालिन बनता है रूट टिप पार्ट, स्टेम टिप पार्ट, एम्ब्रियोनिक टिप। तो ठंड से फूल आएंगे बाद में जो, तो वर्नालिन बनता है लो टेम्परेचर से। कितना टेम्परेचर देंगे तो वर्नालिन बनेगा? नॉर्मली 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हैंडमेड के अंदर 3 से 17 डिग्री सेल्सियस। अगर प्लांट को 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा तो वर्नालिन बनेगा, फूल आएंगे। लेकिन हैंडमेड प्लांट को थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा भी मिल जाएगा तो भी वर्नालिन बन जाएगा हैंडमेड के अंदर। इसमें टेम्परेचर 3 से 17 डिग्री टेम्परेचर से काम चल जाता है हैंडमेड के अंदर। हैंडमेड और नॉर्मल ठीक है यहां तक। टाइम कितने टाइम तक इतना टेम्परेचर दिया जाए प्लांट को जो है, मतलब फ्यू आवर टू फ्यू डे। अगर प्लांट को कुछ घंटों से कुछ दिन तक वर्नालिन ये लो टेम्परेचर दिया जाएगा, इतना टेम्परेचर दिया जाएगा तो वर्नालिन बन जाएगा। लेकिन सेल में हाइड्रेट पानी जरूर होना चाहिए, देयर शुड बी हाइड्रेटेड प्रोटोप्लाज्म। हाइड्रेटेड या पानी वाला प्रोटोप्लाज्म चाहिए जो है, और सेल में न्यूट्रिएंट भी होने चाहिए, न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट शुड बी एक्सेस। लेकिन वर्नालाइजेशन में लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर के बाद हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए जो। अगर लो टेम्परेचर के बाद हाई टेम्परेचर दे दोगे तो वर्नालिन खत्म हो जाता है, इसको बोलता है डीवर्नलाइजेशन। इफ हाई टेम्परेचर इज गिवन आफ्टर लो टेम्परेचर देन वर्नालिन ब्रेक डाउन। It is called devernalization. अगर low temperature के बाद high temperature दे दिया जाए तो वर्नालिन टूट जाता है, वर्नालाइजेशन की जगह हो जाएगा devernalization. इसके अलावा वर्नालाइजेशन में वर्नालिन जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर नहीं हो सकता ग्राफ्टिंग से। वर्नालिन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ग्राफ्टिंग एक्सेप्ट हैंडमेड हायोसायमस बोलते हैं, हायोसायमस। हैंडमेड को अजवाइन का पेड़ बोलते हैं, साइंटिफिक नेम होता है हायोसायमस। हैंडमेड या अजवाइन को बोलते हैं हायोसायमस। वर्नालिन ट्रांसफर नहीं हो सकता एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ग्राफ्टिंग से,
हैंडमेन में ट्रांसफर हो जाता है। वनराइजिंग की बात चल रही थी जो, तो तीन एनुअल प्लांट होते हैं, तीन एनुअल प्लांट होते हैं, गेहूं, जौ और राई। तीन एनुअल प्लांट होते हैं गेहूं, जौ और राई। बाइनुअल प्लांट कौन कौन से होते हैं? कैरेट, कैबेज, कैरेट, कैबेज, सुगर बीट, ये तीन हो गए, तीन एनुअल प्लांट है, तीन बाइनुअल प्लांट है, एक पर्नियल प्लांट है। पर्नियल प्लांट का एग्जांपल है क्रिसेंथेमम। इन सब में वनराइजन होता है, इन सभी प्लांट में वनराइजन होता है। सारे प्लांट में वनराइजन होता है। ये तीन एनुअल प्लांट है, इनकी दो वैरायटी होती है, स्प्रिंग वैरायटी, विंटर वैरायटी, या ऑटोमन वैरायटी। दो वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी, विंटर या ऑटोमन वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी, ऑटोमन वैरायटी या विंटर वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी grown in spring and flower in summer, winter variety grown in autumn and flower in winter, स्प्रिंग वैरायटी गर्मियों से पहले स्प्रिंग सीजन में उगती है, फूल आते गर्मियों में, और विंटर वैरायटी ऑटोमन में उगाते हैं, सर्दियों के एंड में फूल आ जाते हैं। सर्दियों की वैरायटी को अगर इन सब्जी जो सर्दियों में उगाई है इसको अगर गर्मियों में उगाए तो उग तो जाएगी, फूल नहीं आएंगे। क्या कहा मैंने? क्या बोले? विंटर वैरायटी, इफ विंटर वैरायटी आर ग्रोन इन स्प्रिंग देन प्लांट ग्रो बट नो फ्लावरिंग। पेड़ उग जाएगा, फूल नहीं आएंगे। जो विंटर वैरायटी जो है, विंटर वैरायटी जो सर्दियों की वैरायटी है, सर्दियों वाली को गर्मियों में उगाएंगे तो फूल नहीं आएंगे। इससे यह साबित होता है सर्दियों की वैरायटी सर्दियों में उगाने का फायदा क्या है, फूल क्यों आ जाते हैं। सर्दियों की वैरायटी सर्दियों में उगाए तो फूल आ रहे हैं, उसी वैरायटी गर्मियों में उगाए तो फूल नहीं आ रहे। रीजन क्या है? क्योंकि सर्दी में उगाने से वनराइजेशन हो जाता है, वनराइजेशन होके फूल आते हैं। इसका रीजन, इट्स रीजन इज कि विंटर वैरायटी विंटर में तो फूल देती है, गर्मियों में फूल नहीं देती क्योंकि गर्मियों में वनराइजेशन नहीं हो पाता। इट्स रीजन इज नो वनराइजेशन
इन समर, इन विंटर वैरायटी। तो बोला कि गर्मियों में तो उगाए गए, गर्मियों वाली वैरायटी फूल कैसे आ गई, उसको वर्नलाइजेशन की जरूरत होती ही नहीं। जिन प्लांट को वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं है वो गर्मियों में फूल दे देंगे, तो वो स्प्रिंग वैरायटी गर्मियों में फूल दे रही है, लेकिन जो विंटर वैरायटी है, सर्दियों वाली वैरायटी है, ये फूल नहीं देगी, क्योंकि ये फूल सर्दियों में ही देगी, गर्मियों में नहीं देगी, क्योंकि गर्मी में वर्नलाइजेशन नहीं हो पाएगा। वर्नलाइजेशन की जरूरत है इसको, ठंड की जरूरत है इसको। वर्नलाइजेशन का टॉपिक चल रहा था जो, ठीक है, यहां तक वर्नलाइजेशन की बात कर रहे थे हम, और फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन, इसमें लाइट की जरूरत होती है फ्लोरिंग के लिए, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग। लाइट की जरूरत होती है इसमें, इसमें लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, फोटोपीरियडिज्म में लाइट की जरूरत होती है, वर्नलाइजेशन में लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसमें लाइट के बाद में डार्क आ जाते हैं, लाइट के बाद डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, तो कंटिन्यूअसली लाइट मिलती नहीं फोटोपीरियडिज्म में, लेकिन इसमें कंटिन्यूअसली लो टेम्परेचर चाहिए, कंटिन्यूअस लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। वर्नलाइजेशन में कंटिन्यूअस लो टेम्परेचर चाहिए, वर्नलाइजेशन में कंटिन्यूअस लो टेम्परेचर चाहिए। फोटोपीरियडिज्म में वर्नलाइजेशन में कंटिन्यूअस लो टेम्परेचर चाहिए, फोटोपीरियडिज्म में कंटिन्यूअस लाइट नहीं चाहिए, डार्क आएगा लाइट के बाद, अंधेरा दिन के बाद लाइट, रात तो आएगी, नो कंटिन्यूस लाइट। इसमें फ्लोरिजन बनता है, इसमें वर्नलिन बनता है, इसमें फ्लोरिजन लीफ में बनता है, लीफ आर सेंसिटिव फॉर लाइट, या फ्लोरिजन लीफ में बनेगा, इन लीफ फ्लोरिजन इज फॉर्म लीफ में। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वर्नलिन बनेगा, मेरिस्टेम इज सेंसिटिव, वर्नलिन जो बनेगा मेरिस्टेम में बनेगा, वर्नलिन में इन मेरिस्टेम। वर्नलिन मेरिस्टेम में बनेगा, फ्लोरिजन लीफ में बनेगा। फ्लोरिजन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकता है, ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल, ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल, ट्रांसफर बाय ग्राफ्टिंग, फ्लोरिजन ट्रांसफर बाय ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल। एक पेड़ का दूसरे पेड़ में फ्लोरिजन चला जाएगा ग्राफ्टिंग से, जो इसमें सिर्फ हैंडवेल में वर्नलिन ट्रांसफर होता है, वर्नलिन ट्रांसफर। सिर्फ हैंडवेल में वर्नलिन ट्रांसफर होता है,
हैंडवेन में ट्रांसफर होगा, ना कि सिर्फ हैंडवेन में वाले में ट्रांसफर होगा और कहीं नहीं होगा, लेकिन फ्लोरेशन तो हर पेड़ में ट्रांसफर हो जाता है। और बाय चांस प्लांट में वर्नलाइजेशन की जरूरत है और तुम वर्नलाइजेशन नहीं करते, क्या फूल आ सकते हैं? आ सकते हैं, उस पर गिबरेलिन डाल दो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि गिबरेलिन वर्नलिन ही है, वर्नलिन वाला काम गिबरेलिन कर देगा। जिस प्लांट को लाइट की जरूरत है फूल के लिए, उसको लाइट नहीं दे रही तो गिबरेलिन दे दो उसमें भी, तो लाइट ये गिबरेलिन के फंक्शन है, लाइट को भी रिप्लेस कर सकता है, लो टेम्परेचर को भी रिप्लेस कर सकता है। जिस प्लांट को फूल के लिए लाइट चाहिए तो उसको लाइट देने की जरूरत नहीं, गिबरेलिन की जगह गिबरेलिन दे दो। लाइट एंड टेम्परेचर आर रिप्लेस्ड, लाइट और टेम्परेचर को रिप्लेस कर सकते हो बाय गिबरेलिन हार्मोन। यानी कहने का मतलब ये है, अभी मैंने बताया तुम्हारे को मैंने बताया था वर्नलिन के बारे में, बताया था ना मैंने गेहूं वगैरह के बारे में बताया, गेहूं में वर्नलाइजेशन चाहिए, विंटर वीट में वर्नलाइजेशन हो जाता है सर्दियों में उगाने से, इसलिए वो सर्दियों के एंड में फूल दे देता है। विंटर वीट गर्मियों में फूल नहीं दे रहा क्योंकि वर्नलाइजेशन नहीं हो पा रहा, गिबरेलिन डाल दो वो गर्मियों में फूल देगा। सर्दी की वीट वाला विंटर वीट गर्मियों में भी फूल देगा अगर गिबरेलिन डाल दोगे, तो इसका मतलब लो टेम्परेचर को रिप्लेस कर सकता है। विंटर वीट को लो टेम्परेचर चाहिए लेकिन तुमने लो टेम्परेचर नहीं दिया, गर्मी में उगा दिया, तो उस लो टेम्परेचर को रिक्वायरमेंट को कौन रिप्लेस करेगा? गिबरेलिन हार्मोन, गिबरेलिन दे दो तो वो लो टेम्परेचर को रिप्लेस कर देगा। लाइट की जरूरत है तो लाइट को भी रिप्लेस कर देगा। तो फूल आने के लिए लाइट चाहिए या लो टेम्परेचर चाहिए, तो वो ना भी मिले लाइट और लो टेम्परेचर ना भी मिले फूल के लिए जरूरी है तो गिबरेलिन दे दो, तो उस लाइट उस रिक्वायरमेंट की जरूरत खत्म हो जाती है। तो लाइट टेम्परेचर रिप्लेस बाय गिबरेलिन हार्मोन। अगला टॉपिक है ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ क्या होती है? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल और ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर कोई चीज साइज में परमानेंटली बढ़ जाए, ऑर्गन बढ़ जाए या सेल साइज में बढ़ जाए, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। एक ग्रोथ होती है लोकलाइज्ड ग्रोथ, एक होते हैं डिफ्यूज ग्रोथ। लोकलाइज्ड ग्रोथ में ये लोकलाइज्ड ग्रोथ डिवीजन करने वाली सेल कुछ पार्ट में है, हर जगह नहीं है, ऐसी ग्रोथ को लोकलाइज्ड बोलते हैं। इट इज ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल प्रेजेंट इन लोकलाइज्ड एरिया। ऐसी ग्रोथ जो सेल डिवीजन से होगी और वो लोकलाइज्ड एरिया में सेल डिवीजन है। इट इज ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लोकलाइज्ड एरिया, दैट इज ड्यू टू मेरिस्टेम प्रेजेंट इन लोकलाइज्ड एरिया। एक सिलेक्टेड एरिया में ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और सिलेक्टेड एरिया की वजह से ग्रोथ हो तो लोकलाइज ग्रोथ बोलेंगे, प्लांट में लोकलाइज ग्रोथ होती है। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम टिप पार्ट पे है तो टिप से ग्रोथ होती है मोस्टली, प्राइमरी ग्रोथ टिप पार्ट से होती है, लोकलाइज ग्रोथ होती है वो मैस्टोटिक टिश्यू से होती है जो लोकलाइज एरिया में है।
डिफ्यूज ग्रोथ, डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन कंप्लीट बॉडी। पूरी बॉडी में डिवीजन करने वाली सेल है उससे ग्रोथ होता है डिफ्यूज ग्रोथ बोलेंगे। डिवीजन करने वाली सेल पूरी बॉडी में है तो ग्रोथ को डिफ्यूज ग्रोथ बोलेंगे। टूटने वाली सेल पूरी बॉडी में है और उससे ग्रोथ होता है डिफ्यूज बोलेंगे। टूटने वाली सेल सिलेक्टेड एरिया में तो ग्रोथ को लोकलाइज बोलेंगे। डिफ्यूज ग्रोथ एनिमल में होती है। एनिमल में सेल डिवीजन करने वाली सेल हर जगह काफी जगह होती है, बॉडी काफी जगह साइज में बढ़ती है हमारी जो है। प्लांट की बॉडी टिप पार्ट से ग्रो करते हैं वो लोकलाइज है। अनलिमिटेड और ओपन ग्रोथ, और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, अनलिमिटेड ओपन और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इस ग्रोथ में कभी रुकती नहीं है, ग्रोथ पूरी जिंदगी भर होती है। इट इज कंटिन्यू थ्रूआउट लाइफ। एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ कभी रुकती नहीं, पूरी जिंदगी भर पेड़ बढ़ता है साइज में जो। डिटर्मिनेट ग्रोथ, इट इज अप टू पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम तक होगी। एग्जाम्पल है ये पर्टिकुलर टाइम तक होगी। कौन सा एग्जाम्पल है इस डिटर्मिनेट ग्रोथ का? तो हम बोलेंगे एनिमल ग्रोथ। एनिमल में ग्रोथ में 20-25 साल तक ही बढ़ता है, फिर उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, सेल डिवीजन रुक जाता है, तो डिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। रूट में कौन कौन सी जोन होती है? जो सबसे यहां सेल डिवीजन होता है इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। या फोर, इसमें फॉर्मेटिव फेज होती है सेल की। इन दिस जोन सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड। इसमें सेल बन रही है इसको फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं। हंस इट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज में सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है। फॉर्मेटिव फेज में सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है। मेरिस्टेमेटिक जोन में इस जोन में सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है। सेल कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रही है इसलिए इसका फॉर्मेटिव फेज भी। इसमें इन सेल के अंदर सेल में क्या क्या है? डेंस प्रोटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बड़ा है। प्लाज्मा डेंसिटी प्रेजेंट। प्लाज्मा डेंसिटी प्रेजेंट, ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। ये रूट कैप से कवर होती है। इसके बाद इस जोन को बोलते हैं इलोंगेशन जोन। और सेलों को बोलते हैं सेल्स आर इन इलोंगेशन फेज।
जब सेल डिवाइड हो तो फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं, सेल लंबी हो तो इलोंगेशन फेज बोलते हैं। सेल इलोंगेशन फेज में सेल जब डिवाइड करे तो फेज को बोलते हैं फॉर्मेटिव फेज। सेल डिवाइड करे तो फॉर्मेटिव फेज, एरिया को बोल दो मैश्मेटिक जोन, सेल को बोलो फॉर्मेटिव फेज, एरिया को बोलो इलोंगेशन जोन, सॉरी मैश्मेटिक जोन। उसके बाद सेल लंबी होगी तो बोलेंगे इलोंगेशन फेज और एरिया को बोलो इलोंगेशन जोन। फिर मैचुरेशन जोन, सेल को बोलेंगे मैचुरेशन फेज, सेल आर इन मैचुरेशन फेज। फॉर्मेट सेल तीन फेज में होती है, जब सेल डिवाइड करे, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करे तो फॉर्मेटिव फेज होती है। सेल डिवाइड कर रही है, सेल्स लंबी हो जाए तो इलोंगेशन फेज, और सेल डिफरेंशिएट हो जाए तो मैचुरेशन फेज। सेल्स डिफरेंशिएट, सेल की ग्रोथ की तीन फेज होती है, सेल डिवाइड करती है फॉर्मेटिव फेज, सेल लंबी होती है इलोंगेशन फेज, सेल डिफरेंशिएट होती है मैचुरेशन फेज। और एरिया को क्या बोलोगे, जहां सेल फॉर्मेटिव फेज में है सेल डिवाइड कर रही है उसको बोलो मैश्मेटिक जोन, सेल लंबी हो तो इलोंगेशन जोन, फिर डिफरेंशिएशन जोन, यहां पर लोग एयर होते हैं जो। सेल में ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां होती है, फॉर्मेटिव फेज में इलोंगेशन फेज में, वो देखते हैं। सेल एक्सपेरिमेंट शो, एक्सपेरिमेंट शोइंग डिफरेंट ग्रोथ एरिया, ग्रोथ एरिया चेक करने हैं प्लांट में क्या करें, तो हम बोलेंगे सीड ले लो, सीड ले लो, उसके रूट पे टिक मार दो, रूट इज लाइंड विद इंक, इंक से लाइन मार दो रूट के ऊपर। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद इलोंगेशन जोन के बीच की लाइन ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज इंक्रीज मोर, लाइन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज इंक्रीज मोर, लाइन में डिस्टेंस बढ़ेगा कब, आफ्टर कुछ दिनों बाद लाइन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा इन इलोंगेशन जोन। इट मींस मोर ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ कहां होगी, इलोंगेशन फेज, इलोंगेशन जोन में। ऐसे लाइन खींच दी, बीच में ग्रोथ होगी तो लाइन दूर दूर चली जाएंगी, सबसे ज्यादा लाइन दूर कहां जाती है, इलोंगेशन फेज में, क्योंकि उनके बीच में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। रूट ली, उस पर लाइन मार दी इंक से, कुछ दिनों के बाद डिस्टेंस बढ़ गया लाइन के बीच का, सबसे ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा इलोंगेशन जोन में, इसका मतलब यह है कि ज्यादा ग्रोथ इलोंगेशन जोन में होती है, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो इलोंगेशन जोन में होती है, इलोंगेशन जोन की लाइन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। ग्रोथ करो, ग्रोथ करो, ऐसे ग्रोथ करवाता है
शुरू में फेज होती है धीरे ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं लैग फेज। फिर ग्रोथ थोड़ी सी लंबी फेज होती है, उसको बोलते हैं लॉग फेज। फिर ग्रोथ होती है लेकिन थोड़ी और धीरे होती है, डिक्सलरेटिंग फेज। लास्ट में ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये डिफरेंट ग्रोथ फेज है। लैग फेज में स्लो ग्रोथ, लॉग फेज में फास्ट ग्रोथ, डिक्सलरेटिंग फेज में फिर स्लो ग्रोथ और स्टेशनरी में कॉन्स्टेंट नो ग्रोथ। ये ग्रोथ की फेज होती है। अब लेते हैं ग्रोथ कैसे कैसे मेजर कैसे नाप सकते हैं ग्रोथ को। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को कैसे नापते हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, फ्रेश वेट देख सकते हो, किसी का फ्रेश वेट देख लो, ज्यादा फ्रेश वेट है तो ग्रोथ ज्यादा है, कम है तो कम है। दो प्लांट का ग्रोथ चेक करनी है, जिसका वेट ज्यादा बढ़ गया उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई, कम बढ़ा तो कम हुई, तो पूरा ओवरऑल पूरे वेट को फ्रेश वेट बोलते हैं। तो फ्रेश वेट से ग्रोथ पता लग जाता है, जिसका फ्रेश वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है उसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है, कम है तो कम है। ड्राई वेट, पानी निकाल के वेट चेक कर लो, पानी दोनों का निकाल दो तो पेड़ का, और देख लो जिसका ड्राई वेट ज्यादा उसकी ग्रोथ ज्यादा हुई, जिसकी कम है तो कम हुई। सेल नंबर काउंटिंग इन बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी एक्सेट्रा। सेल जिस दो प्लेट है, एक में बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा है, एक में कम है, जिसमें शुरू में एक एक सेल लगता है बैक्टीरिया की, जिसमें सेल का नंबर ज्यादा हुआ उसमें ग्रोथ ज्यादा है, जिसमें सेल का नंबर कम है तो ग्रोथ कम है। तो सेल का नंबर काउंट करके भी ग्रोथ पता लग जाती है बाई मीजरिंग डायमीटर, स्टेम ग्रोथ का पता लग जाता है। जो दो स्टेम है पता लगाना है किसमें ग्रोथ ज्यादा हुई, जिसका डायमीटर ज्यादा फैल गया उसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है, डायमीटर कम रहा उसकी ग्रोथ कम हुई है। बाय मेजरिंग वॉल्यूम, ये फ्रूट के अंदर पता लगाना है, दो फ्रूट है किसकी ग्रोथ ज्यादा हुई, जिसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा उसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है, वॉल्यूम कम बढ़ा उसकी ग्रोथ कम हुई है। और इसके अलावा वॉल्यूम से भी ग्रोथ मालूम पड़ रही है, सरफेस एरिया मेजर करके लिया बाय मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया। एग्जाम्पल लीफ, दो लीफ है, एक का सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है एक कम बड़ा है, जिसका ज्यादा बड़ा उसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है, जिसके अंदर सरफेस एरिया कम बड़ा उसमें ग्रोथ कम हुई है, तो सरफेस एरिया से ग्रोथ पीछे हो जाती है। रूट ऑफ मेल्स प्रोड्यूस रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज प्रोड्यूस 17,500 सेल पर आवर,
मक्का के रूट में एक सेल 1700 एक घंटे में 17,500 सेल बना सकती है। इन वाटरमेलन सेल साइज इज इंक्रीज बाय 350,000 टाइम। वाटरमेलन या तरबूज के अंदर एक सेल 3.5 लाख गुना साइज में बढ़ जाती है। सेल का नंबर नहीं, सेल का साइज बढ़ा है। ग्रोथ का टॉपिक कंटिन्यू है, इस वीडियो को यही रोक रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा इसमें फोन में कैपेसिटी नहीं है। अगले वीडियो में फिर मैं ग्रोथ कंटिन्यू कर रहा हूँ।